एक्चुअली स्टेट्स प्रोविंशियल स्टेट्स सर, वो कंपोनेंट यूनिट्स के नीचे सर यूनिटरी से वगैरह इंडिया से ये सर यूनिटरी में सर, यूनाइटेड में जो लिखा हुआ कंपोनेंट स्टेट के नीचे है। हाँ सर स्टेट प्रोविंशियल मतलब प्रोविंशियल से स्टेट से लिखा है सर, ये प्रोविंशियल से लिखा हुआ है प्रोविंशियल। अच्छा प्रो बी आर ओ इतना प्रो क्या है, बी आई एल सी बी आई एल सी आई ए नहीं आना सर, प्रोविंशियल स्टार्ट करें साइन किस तरह से। अच्छा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज आपने कुछ लिख दिया बड़ा,
प्लेसमेंट ऑफ लेक्चर्स का इशू है, लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय स्टूडेंट्स एक इशू है, आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा इशू, बड़े मसाइल हैं। तो इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना सीखें, टाइम डिसिप्लिन को सीखें, ठीक है, अपने अंदर पैशन पैशन लेके आए, अपने अंदर कदर लेके आए, रिस्पेक्ट लेके आए, ठीक है। बड़ा वो होता है जो बहुत मतलब होता है, टुडे व्हेन आई एंटर्ड इन द क्लास टीचर लोग मौजूद थे, किसी ने बॉडर भी नहीं किया, टीचर होता है ना, तो एथिक्स रिक्वायर्स के आप एटलीस्ट कंपोज हो जाएं, आप सामने को सर कह दें, मैंने तो कहा उसका भी जवाब नहीं मिला, ठीक है बेटे, ये बैरियर्स तोड़े और अपने अंदर गुडनेस लेके आए। सी एस एस का बड़ा गहरा ताल्लुक है स्पिरिचुअलिटी के साथ, मुझे जरूरत नहीं है आपके ड्यू रिस्पेक्ट की, बिकॉज के हम जरा और तबियत के हो गए, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कामयाबी की जो पहली मंजिल, पहला स्टेप है वो अदब है। जब तक अदब नहीं आएगा आपके गले में पड़ेगा ही, बहुत अच्छे लेक्चर लेंगे आप, जो मैं समझता हूँ कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो एज अ टीचर मैं ये समझता हूँ कि ये मैं अपनी ड्यूटी नहीं हूँ। अच्छा आज बेटा हम ये चार टॉपिक बेसिकली इनिशियली पढ़ने जा रहे हैं, और अगर मैं चार टॉपिक की इम्पोर्टेंस की बात करूँ वही मैं आपको और आइडिया देता हूँ कि 2021 से लेकर अगर हम 2014 तक या 15 तक आए तो इन 5-6 सालों में 4 दफा क्वेश्चन इस पे से बन चुका है, यानी ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन इन 4 टॉपिक्स की बेस के ऊपर आ रहा है इन योर सीएसएस एग्जाम। ये कहना है 90% चांसेस हैं कि सीएसएस 2020 जब आएगा तो 90% चांसेस हैं कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा, 90% चांसेस हैं, 10% नहीं भी। तो इसलिए ये बताने का मतलब सिर्फ आपको एक रियलाइज करवाना होता है कि ये टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका आप इसको सीरियस लें, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ओवरऑल जो आपके स्टेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनका समझना भी आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जब तक आप स्टेट को स्टेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप इवन इंग्लिश ऐसे भी नहीं लिख सकेंगे, ठीक है, इवन आप पाकिस्तान अफेयर्स भी नहीं पढ़ सकेंगे, इवन आपको करंट अफेयर्स की समझ नहीं आएगी, वो क्या आपके पास फैक्शन फिगर्स होंगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू हैव प्रॉपर आइडियाज, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो ओवरऑल सीएसएस में भी आपकी बेसिक्स को डेवलप करती हैं, एज वेल एज हमारे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी है, ठीक हो गए बेटा। दुनिया में नॉर्मली इस टाइम अगर हम बात करें तो दो बड़े सिस्टम्स जो हैं वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के स्टेट्स के हैं, दो बड़े सिस्टम्स के गवर्नमेंटल सिस्टम्स के द्वार से बात करें, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है अगर हम उसकी बात करें तो इस टाइम नॉर्मली ये दो बड़े सिस्टम्स चल रहे हैं, एक यूनिटरी स्टेट होती है और एक फेडरल स्टेट होती है, ठीक है, जिसको आप फेडरेशन भी कह सकते हैं, यानी फेडरेशन मीन फेडरल स्टेट, यूनिटरी मीन यूनिटरी स्टेट, ठीक है जी। मैं अगेन बताऊं कि वो स्टेट, यानी जब भी कोई स्टेट बनती है तो ये डिसाइड हो जाता है, वो स्टेट डिसाइड करती है कि स्टेट बनने के लिए गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट बन गई स्टेट बन गई, वेरी नेक्स्ट स्टेप पे स्टेट हैज टू डिसाइड कि वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ सेटअप में जाएगी या फेडरेशन में जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग वो स्टेट का जो है कॉन्स्टिट्यूशन और वो सारी चीजें डिफाइन होंगी, ठीक है जी। तो इसी दौर में एक कॉन्सेप्ट कॉन्फेडरेशन चलता था जो कि अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है दुनिया से, लेकिन कुछ शक्लों में कॉन्फेडरेशन अभी दुनिया में है, कुछ शक्लों में, जैसे एग्जांपल
यूरोपीय यूनियन भी नाम लेते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली उस तरह से अगर यूरोपीय यूनियन के सेंस में हम कॉन्फेडरेशन को लेते हैं तो उस तरह से वो कोई स्टेट नहीं है, ठीक है, लेकिन बहरहाल एक फॉर्म कॉन्फेडरेशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसको वो तकरीबन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यूनिटरी और फेडरेशन, यदि आप दुनिया का कोई भी मुल्क पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज जो है आप देखेंगे कि यूनिटी है, जब उसके आपके पेपर टू में हम पॉलिटिकल सिस्टम्स को भी पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हुए सबसे पहले हमें देखना है कि आइदर ये फेडरेशन है या यूनिटी है, यू हैव टू सी। और जब आप टेक्निकली लिखेंगे लाइक लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ फेडरेशन व्हिच वाज कॉन्फेडरेशन, तो जो पॉलिटिकल साइंस का बंदा होता है उसको खुशी हो रही होती है, उसको पता चल रहा होता है कि बंदा कॉन्सेप्ट्स इस बच्चे के पास है। जब आप फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन लिखते हैं या यूनिटी लिखते हैं या कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखते हैं तो एक लफ्ज उसको बता देता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो है वो बेस कर रही होती हैं, यानी स्टेट्स की इकोनॉमी, स्टेट के सिस्टम, स्टेट के स्ट्रक्चर, स्टेट की डेवलपमेंट, स्टेट का डाउनफॉल, स्टेट का राइज, स्टेट का इंटरनेशनल स्कोप, ये सारी चीजें इनके ऊपर बेस कर रही होती है। इधर जब कोई फॉरेन पॉलिसी में किसी से रिलेशन डेवलप करने जाता है तो दे विल हैव टू सी उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाने के लिए क्या नाम अपनाया गया, ठीक है, और उस गवर्नमेंट ने फंक्शन कैसे करना है, ये बोला जाता है ना, ठीक है, और उस गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए कौन सा नेटवर्क होगा, और अगर वो गवर्नमेंट जब देखिए गवर्नमेंट पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का गवर्नमेंट चेंज रहती है, अब ये चेंज होगी तो किस सिस्टम के साथ होगी, डेमोक्रेसी के साथ चार्ज होता है, चेंज होगी डिक्टेटरशिप है तो उसका अपना एक मैकेनिज्म होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है उसने कैसे चलना है, अकॉर्डिंग टू सॉवरेनिटी, अकॉर्डिंग टू सॉवरेनिटी, और वो सॉवरेन जो सॉवरेनिटी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वो करेगी, वो अपनी पावर्स की फ्लो ऑफ पावर को कैसे डील होगा, फ्लो ऑफ पावर आप सादा लफ्ज में एक टर्म है फ्लो ऑफ पावर, देखें स्टेट है गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट के पास पावर है जिसको आप सॉवरेनिटी कहते हैं, अब ये पावर को उसने आगे डेलीगेट तो करना है ना बाकी कंपोनेंट्स यूनिट्स तक, कंपोनेंट्स यूनिट्स क्या होते हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा गया नहीं बल्कि मैंने टेलर अभी ये कहते हैं कंपोनेंट्स कंपोनेंट यूनिट्स बेसिकली आप प्रिवेंसेस को कहते हैं या जैसे मैथा में जो प्रिवेंसेस है वो उनको स्टेट्स कहते हैं या कुछ कुछ के यहाँ ये जो स्टेट्स हैं उनको सिटी कहते हैं, तो वो उसका यानी एक यूनिट है जिसको आप टेक्निकली कंपोनेंट यूनिट कह सकते हैं, यानी वो स्टेट का एक कंपोनेंट है, वो यूनिट का नाम प्रिवेंस हो सकता है सुबह जैसे पाकिस्तान में, ठीक है, ये जैसे इंडिया में उस कंपोनेंट यूनिट का नाम स्टेट हो सकता है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो स्टेट कहते हैं, उस कंपोनेंट का यूनिवर्सिटी भी हो सकता है अगर वो स्टेट स्मॉल है पर है या वो उसकी जो ज्योग्राफी है वो इतनी ज्यादा लेंथ ही नहीं है तो वो स्टेट्स के दरमियान भी उनको मैनिटर करने के लिए भी तो ठीक हो गया। अच्छा अब उन स्टेट्स को आपने चूंकि साथ लेके चलना है, उन कंपोनेंट्स को साथ लेके चलना है, फ्लो ऑफ पावर को ख्याल रखना है, तो उसके लिए यू हैव टू डिसाइड, गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड कि आप यूनिटी हैं, आप फेडरेशन हैं, आप कॉन्फेडरेशन, ठीक हो गया जी, यहां तक बात क्लियर है सबको, बोले हाँ नहीं क्लियर तो फिर मुझे बता दें, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, पार्टिसिपेट किया अपनी क्लास में, अब आपका चौथा पांचवा लेक्चर है, पहले दो तीन लेक्चरों में हम खुद थोड़ा रिलैक्स देते हैं स्टूडेंट्स को, फिर चलें कि आप तो आप ऐसे नहीं बैठना, आपने यू हैव टू पार्टिसिपेट, जब आप बोलते हैं कुछ कहते हैं कुछ पूछ रहे हैं मिलते जुलते हैं तो आपको आपका ब्रेन भी अकॉर्डिंगली आपको चीजों को परसीव कर रहा होता है, ठीक है, तो इसलिए आपने समझना है, क्या समझना है आपने इसको रिवाइज करना है, इसको रिपीट करना है, तो आई विल, ठीक हो गया। अब यूनिटी जो होती है इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
in which flow of power remains to center only. अच्छा एक होता है center, जिसको आप central government कहते हैं. Center जैसे पाकिस्तान का जो capital है वो center है हमारा इस्लामाबाद, ठीक है, जहां पे असल government बैठी है, असल government के नुमाइंदे बैठे हैं, prime minister बैठे हैं, president बैठे हैं, center है. तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फ्लो ऑफ ट्रैफिक, फ्लो ऑफ पावर जो है वो किसके पास रहता है, सेंटर के पास मेनली. आपको जो सेंटर है वो कुछ पावर्स देता है प्रोविंसेस को या स्टेट्स को, लेकिन वो पावर्स डेलीगेट करता है, वो पावर्स डेलीगेट करता है. अब डेलीगेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप किसी को कोई चीज देते हैं और कहते हैं कि जब लोग पड़ी में ले लूंगा, तो वो अगला वो स्टेट प्रोविंस ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो पावर मुझे दे दी गई और अब मेरे पास ही है. जस्ट आप डेलीगेट करते हैं कि ओके ये पावर जैसे अच्छा जी जैसे ये पावर सेंटर के पास है, इस मामले में अगर कहीं जरूरत पड़े तो ठीक है जी स्टेट अपने लेवल पे इसको देख ले, प्रोविंस अपने लेवल पे इसको देख ले, लेकिन फाइनल डिसीजन में सेंटर के पास वो पावर चली जाती है. यानी जो पावर है, जो पावर की कंसंट्रेशन है, जो पावर की फोकस है, जो पावर की स्ट्रेंथ है, वो बेसिकली किसके पास रहती है, सेंटर के पास. सेंटर नहीं देता प्रोविंसेस और स्टेट्स को, सिटीज को, गवर्नमेंट यूनिट्स को, और अगर वो देता गया है तो फॉर द टाइम बीइंग डेलीगेट करता है, ठीक है. अच्छा अब ये पावर किस सेंस में होती है, फॉर एग्जाम्पल फॉरन अफेयर्स का कोई डिसीजन देना है तो पावर किसके पास है, सेंटर के पास. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, सेंटर. टैक्सेशन रिलेटेड पढ़ाना है, सेंटर, ठीक है जी. एजुकेशन के ऊपर कोई नई पॉलिसी लेके आनी है, सेंटर. हेल्थ के ऊपर कोई नई पॉलिसी लेके आनी है, सेंटर. वाटर रिसोर्सेज के, नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई पॉलिसी लेके आनी है, सेंटर. पावर किसके पास होगी, सेंटर के पास. अ कंपोनेंट यूनिट हैज नो अथॉरिटी टू आस्क द सेंटर, ठीक है जी. अब ये क्या कर रहे हैं, तो उसके उन्होंने वो पावर डेलीगेट की हुई, चैलेंज और क्लेम नहीं कर सकते कि पावर हमारे पास है, तो ये आप यूज कर रहे हैं, ये हमारी पावर. तो जब ऐसा हो तो उसको हम कहते हैं कि ये यूनिटरी है. सर इसमें हाउस भी है क्या, एग्जैक्टली वो नहीं, बायलैटरल वो बाइकैमरल या यूनिकैमरल वो एक अलग अपॉन सेट है, नॉर्मली एक ही होता है लाइक नॉर्मली, लेकिन आपको जरूरी नहीं, वो कंडीशन नहीं, वो एक अलग चीज है, ठीक है. एक अच्छा अब यूनिटरी में आपके सामने एग्जांपल्स बहुत हैं, यूके चाइना के अंदर यूनिटरी है, प्रोविंसेस के पास पावर्स हैं लेकिन डेलीगेटेड है, असल जो पावर है वो किसके पास है, सेंटर के पास. यूके के अंदर क्या है, असल पावर किसके पास है, सेंटर के पास. उस तरह से यानी प्रोविंशनल, इसको हम टेक्निकली आपने बड़ी टर्म सुनी होगी, प्रोविंशनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमस कर देना, खुद मुख्तारी दे देगी, वो खुद मुख्तारी नहीं देते. लाइक घरों में जैसे पेरेंट्स हैं तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ पावर्स डेलीगेट कर देते हैं पेरेंट्स, लेकिन ऑटोनॉमी यूनिटरी चलती है वहां पे ना, ठीक है. लेकिन कुछ घरों में ऑटोनॉमी दे दी जाती है, बिल्कुल दे दी जाती है, कहते हैं ठीक है जी आप अपनी जिंदगी क्या फैसले खुद करें, तो इट डिपेंड्स कि वहां यूनिटरी है या फेडरेशन. इन द सेम वे स्टेट्स में कंपोनेंट यूनिट्स को पावर्स डेलीगेट जरूर कर दी जाती है, लेकिन पावर्स का जो पावर्स का जो मरकज है वो मरकज ही रहता है, वो सेंटर ही रहता है, वो सेंटर के पास ही रहती है. और रिगार्डिंग एनी अफेयर ऑफ द स्टेट, कोई भी डिसीजन लेना है सेंटर विल टेक, ठीक हो गया. जब ऐसा हो रहा हो तो क्या कहेंगे कि क्या है, बोले ना क्या है, यूनिटी. कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटी. एक यूनिट के पास, ये यूनिटी वाला यूनिटरी है जी. प्रेजिडेंशियल सिस्टम की तो हम बात ही नहीं कर रहे, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि यूनिटी स्टेट के अंदर प्रेजिडेंशियल सिस्टम हो या पार्लियामेंट्री, ये तो हम डिस्कस नहीं कर रहे. हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिटी और फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि यूनिटी किसको कहेंगे, जहां पे सेंटर जो है वो पावर्स कंपोनेंट यूनिट्स को या प्रोविंसेस को या स्टेट्स को या सिटी को या जो उसके छोटे यूनिट्स हैं उनको वो एक तो फुली ऑटोनॉमी नहीं दी जाती, फॉर द टाइम के कुछ इश्यूज के लिए पावर दी जाती है लेकिन वो डेलीगेटेड होती है और सेंटर किसी भी टाइम वापस ले लेता है, और उसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दिए. जो 18th amendment है वो किसी भी आसिस से कंसर्न है, वो तो अभी हम पावर्स प्रोविंसेस को दी,
18th अमेंडमेंट अक्सर इशू बनता जाता है कि वो नई चेंजिंग नई इसमें करने देंगे बेटा 18th अमेंडमेंट तो हम पढ़ेंगे ना बिफोर टाइम आप उससे बात करेंगे वो फिर टाइम टाइम करते हैं वो मैं आपको पूरी डिटेल में लेके जाऊंगा ठीक है ऑटोनॉमी देखें 18th अमेंडमेंट फेडरेशन के लिए क्योंकि 18th अमेंडमेंट बेसिकली ऑटोनॉमस पावर्स दे रही है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए थी ना तो डिवीजन ऑफ पावर एक है डेलीगेशन ऑफ पावर और एक है डिवीजन ऑफ पावर डिवीजन मतलब क्या डिवाइड कर देते हैं भाई ये आपकी और ये आपकी उसकी वापस लेने का भी कानूनी हक आपके पास नहीं होता अगर आपने वो लेनी है तो आपको दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन में जाके अमेंडमेंट करके वापस पावर लेना पड़ेगी आप इमीडिएट पावर वापस नहीं ले सकते दैट इज डिवीजन यू हैव डिवाइडेड सेंटर हैज डिवाइडेड द पावर हैज गिवन द पावर ठीक हो गया बट यूनिटी में आप पावर डिवाइड नहीं करते डेलीगेट करते हैं और सारी पावर नहीं देते लिमिटेड देते और जब चाहते हैं आप विड्रॉ करते हैं ठीक है और पावर्स जो है वो मेनली मेजरली किसके पास रहती है क्लास इंस्टीट्यूशनल के पास सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट यूनिटरी अच्छा बिल्कुल इसके वाइस वर्सा है फेडरेशन फेडरेशन में क्या होता है जो सेंटर है और जो कंपोनेंट यूनिट्स हैं इनके दरमियान फ्लो ऑफ पावर क्या होता है डिवाइड हो जाता है डिवाइडेड बांट दिया जाता है इसका मतलब जब ऐसा होगा तो जो कंपोनेंट यूनिट्स होंगे जो प्रोविंसेस हो सकते हैं जो स्टेट्स हो सकती हैं जो सिटीज हो सकती हैं उनके पास जो पावर्स होंगी वो उनको दे दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनली लाइक इन पाकिस्तान वी हैव डिसाइडेड कि दी एजुकेशन हार्पेंस अपनी अपनी देखें हेल्थ हार्पेंस अपनी अपनी देखें रात को मेंटेन करने के लिए आपको बजट दे दिया जाएगा फंड्स दे दिए जाएंगे एनएफसी वार्ड आपने पढ़ा वो हम पढ़ेंगे ठीक है तो अब अगर बात एजुकेशन सिस्टम की तो बात आती है आपने देखा होगा तो वफाक से सेंटर से बैठ के क्रिटिसिज्म आता है स्पेशली फॉर सेम कि भाई आप एजुकेशन सिस्टम में तो ऐसे ऐसे क्यों हेल्थ ऐसे ऐसे क्यों आपके फंड्स कहां जा रहे हैं लेकिन वो बात कर सकते हैं सेंटर है लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि भाई आप ये आपकी हेल्थ के पैसे हम आपको नहीं देंगे वो आपको करेंगे ऐसा वो नहीं कर सकते लेकिन जो पावर आप डिवाइड कर देते हैं वो पावर उनको आप दे देते हैं लाइक फेडरेशन में अगर फॉरेन पॉलिसी का वो डिसीजन ले लाओ तो क्या वफाक सूबों से सूबों को इत्माद में लेगा ख्याल रखेगा लेकिन डिसीजन पावर फाइनली किसके पास है लाइक और कोई आपने इनवर्ट पॉलिसी एक इशू है लाइक करेंसी रिलेटेड लाइक आपने आईएमएफ के पास जाना है कि नहीं जाना ठीक है लाइक टैक्सेशन के ऊपर कोई डिसीजन लेना है तो वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज को देखता है ठीक है तो ये यानी कुछ चीजें कुछ पावर्स उनके पास है लेकिन कुछ पावर्स अलोंग विद फंड्स हैड बीन गिवन टू कंपोनेंट यूनिट्स बाय द सेंटर और पावर डिवाइड हो जाती है और इनके वापस भी हो सकती है और उनमें कोई दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर सकता तो ये सब कुछ जब हो और कहेंगे कि यहाँ पे क्या है ठीक हो गया यहाँ तक कोई क्लियर है कोई इशू जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसमें होगी ना जी एग्जैक्टली होगी आपने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी ना पावर दे दी डिवाइड करके दे दी सूबों को खुद मुख्तार कर दिया बिल्कुल कर दिया इसलिए तो क्लेम होता है कि 18th अमेंडमेंट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई जी इफ यू आर लेट तो देन व्हाट कैन आई डू बेटा टाइम पे आए ना फिर आपने पहला लेक्चर भी दिखवा लेना और फिर सवा चार साढ़े चार आएंगे और फिर टाइम इशू फिर इतना बड़ा टॉपिक इतना ज्यादा सिलेबस पड़ा हुआ है इतने ज्यादा लेक्चर्स में इसको मैनेज करना है या तो मैं तैयार हूँ आप भी तैयारी करें आफ्टर योर सेकंड लेक्चर आई विल बी अवेलेबल हियर फिर क्लास करते हैं ना ठीक है तो फिर वो फिर प्रॉब्लम तो आप तो चार से पाँच मिनट रिपोर्ट नहीं करते वेल आई हैव नो टाइम I'm reliable for my students. ठीक है तो इसलिए यानी मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ आप बिल्कुल फटेचारी हैं लेकिन फिर ये कि रिवाइज करने से भी उतना अच्छा देखिए फिर टॉपिक देखिए आप जब लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं ना तो स्टार्ट की आपको बात समझ आने लग जाती है इन बिटवीन फिर वो आप इस कंफ्यूजन में रहते हैं साइकोलॉजिकली कि अच्छा आपने क्या हो गया था क्या रहेगा एनी मैं दोबारा बेटा कोई भी मुल्क जब बनता है उस मुल्क के बनने की एक हमने शर्त रखी हुई है और वो उस मुल्क के बनने की शर्त यह है कि वहां पे गवर्नमेंट होगी
गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होंगी जो जिसको आप सॉवरेनिटी का नाम भी देते रहे, इख्तदार आला, सुपर पावर। अब ये जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है इसको लेकर के तीन सिस्टम्स हमारे सामने आते हैं, ठीक है। और ये स्टेट की मर्जी होती है कि वो कौन सा सिस्टम ऑप्ट करे। स्टेट बोर्ड नहीं है कि अगर फेडरेशन कायम कर लिया तो वो फेडरेशन ही रहेगा, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंडमेंट है क्या है, और वो कंट्री में चले गए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले फेडरेशन में आ गए। लेकिन वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कानूनी इतबार से कॉन्स्टिट्यूशनली तब्दीलियां लाना पड़ेगी, ठीक हो गया। अब वो जो गवर्नमेंट की पावर है या उस पावर का जो फ्लो है, देखें गवर्नमेंट क्या है, वफाक में बैठेगी ना, सेंटर में बैठेगी, हायरली कैपिटल में बैठेगी, फेडरल, ठीक है। उसके नीचे उसके प्रोविंसेस हैं, या अमेरिका में उन प्रोविंसेस को प्रोविंसेस नहीं कहते, वो स्टेट्स कहते हैं, या सिटी भी कह देते हैं, सिटी स्टेट्स भी कहते हैं, तो कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन वो क्या है, स्टेट का एक कंपोनेंट है जिसको कंपोनेंट यूनिट कह सकते हैं। आप सेंटर ने वो फ्लो ऑफ पावर कंपोनेंट यूनिट्स को देनी है या नहीं देनी, कितनी देनी है या कितनी नहीं देनी, डिवाइड करके दे देनी है परमानेंटली या डेलीगेट करनी है, ये जब डिसीजन हो रहा होता है तो उस टाइम हम कहते हैं स्टेट में डिसाइड के वो यूनिटरी में जाएगी, फेडरेशन में जाएगी या कॉन्फेडरेशन में जाएगी, ठीक हो गया। अब यूनिटरी वाले क्या करते हैं कि सेंटर जो है वो फ्लो ऑफ पावर कंपोनेंट यूनिट्स को या प्रोविंसेस को या स्टेट्स को देता है, लेकिन थोड़ा लिमिटेड, और वो पावर कहता मैंने डेलीगेट की है, डिवाइड नहीं की। डेलीगेट मीन के सेंटर है तो अथॉरिटी के वो पावर किसी भी टाइम वापस ले ले। और मोस्टली जो डिसीजंस होते हैं पूरे मुल्क में प्रोविंशियल लेवल पे कंपोनेंट यूनिट्स के लेवल पे, वो डिसीजंस कौन ले रहा होता है, सेंटर। वो डिसीजन कौन कर रहा होता है, सेंटर। और कंपोनेंट यूनिट सेंटर को फॉलो करने के पाबंद होते हैं हर मामले में, अगर उनके पास कोई लिमिटेड पावर होती है तो वो डेलीगेटेड होती है। उसकी एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम, चाइना की कुछ एग्जांपल आपके सामने है जहां पे ये सिस्टम चल रहा है, यूनिटी के ऑन यूनिटी सिस्टम, ठीक। अब अगर जो सेंटर है वो कुछ पावर डिवाइड करके परमानेंटली अपने कंपोनेंट यूनिट्स को दे दे, क्योंकि ये हेल्थ आपने खुद देखनी है, एजुकेशन आपने अपनी खुद देखनी है, ठीक है। इवन कुछ लोग कहते हैं आप अपनी इकॉनमी के लिए रेवेन्यू, कुछ चीजों के लिए रेवेन्यू भी आप जनरेट कर सकते हैं, प्रोविंशियल रेवेन्यू होता है, और वो आप खुद उसको लगा सकते हैं अपने सूबे के लेवल पे। कानून शादी आपने खुद करनी है, आपकी अपनी असेंबली है सूबे के लेवल पे, ये नहीं कि पंजाब के अंदर जो है वो लेजिस्लेशन हो और वो कहीं कोई मुल्क में अप्लाई करें, सूबे के लेवल कुछ चीजें डिवाइड करके आप जब दे देते हैं कंपोनेंट यूनिट्स को, प्रोविंसेस को, और कुछ सेंटर अपने पास रख लेते हैं जैसे फॉरेन पॉलिसी, जैसे टैक्सेशन, जैसे रेवेन्यू, ठीक है, तो फेडरल रिलेटेड चीजें, और कुछ डिवाइड करके दे देता है। तो जब डिवाइड करके परमानेंटली प्रोविंसेस को वो पावर दे दी जाती है तो इट्स कॉल्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुदमुख्तारी। तो जब आपने ऐसा कर दिया तो इट विल बी कंसीडर्ड एज फेडरेशन, जिसकी एग्जांपल पाकिस्तान है, आपके यहाँ फेडरेशन है, आपने शुरू से ही, यानी 18th अमेंडमेंट तो अब 2018 में आई है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बातें शुरू से हो रही है, सूबों को किसी ना किसी लेवल पे आपने शुरू से ही ऑटोनॉमस किया हुआ था। ये नहीं 18th अमेंडमेंट के बाद हम फेडरेशन हुए तो पहले आपको यूनिट ही थे, पहले भी हम फेडरेशन थे, हमने उस फेडरेशन को मजीद स्ट्रेंथन किया 18th अमेंडमेंट के बाद, ये हम कहते हैं, ठीक हो गया। आपने ऑलरेडी सूबों को बहुत सारे इख्तियार दिए थे, सूबे की अपनी असेंबली थी, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन कर रहे थे, पहले भी कुछ मामलों में सूबे आजाद थे, ठीक है जी। तो इसलिए इंटर प्रोविंसेस का पूरा एक मिनिस्ट्री मौजूद थी, तो That was. लेकिन अब 18th अमेंडमेंट के बाद हमने उस फेडरेशन को और स्ट्रॉन्ग किया है, क्लियर हो गया। अच्छा अब हमने समझना है बेटा कॉन्फेडरेशन क्या है। कॉन्फेडरेशन बेसिकली कंबिनेशन ऑफ सॉवरेन स्टेट्स होता है, कंबिनेशन ऑफ सॉवरेन स्टेट्स। ये एक स्टेट है, उसकी अपनी गवर्नमेंट, अपना टैक्स, अपना सिस्टम, अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपना पूरा निजाम मौजूद है, ओके, सॉवरेन है। एक ये स्टेट है, ये भी सॉवरेन है, वो स्टेट भी सॉवरेन है, वो भी सॉवरेन है, एंड दे गिवन आईडिया आपकी, यार क्यों ना हम ये वाली स्टेट्स को क्रीम क्रीम में मिल जाए और इसका एक सेंटर बना लें, ठीक है। उसमें सेंटर बिल्कुल इतना स्ट्रांग नहीं होता बिकॉज के स्टेट सॉवरेन होती हैं, हर स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन भी खुद लेती है, हर स्टेट का टैक्स सिस्टम अपना होता है,
पूरा का पूरा वो अपना सिस्टम को चला रहे होते हैं, लेकिन एक 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 अमेरिका नीचे आ जाते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड कॉन्फेडरेशन। अमेरिका ने जब यूके से आजाद हुआ तो इनिशियली कॉन्फेडरेशन को ही फॉलो किया, और कॉन्फेडरेशन में जल्दी जल्दी से स्टेट्स आ जाती है, बिकॉज एक तरफ आपको यूनिटी मेमोरी होती है, पावर मेमोरी होती है, स्टेट्स इकट्ठी हो रही होती है, और दूसरी तरफ आप सॉवरेन हैं, आप अपने मामला में आजाद हैं, समझ रहे हैं, जब चाहे आप उस कॉन्फेडरेशन से विड्रॉ कर लें। लेकिन फेडरेशन में जितनी मर्जी पावर डिवाइड कर दें, कंपोनेंट यूनिट विड्रॉ नहीं कर सकता। ये नहीं कि कोई सुबह उठ के कहे कि भाई मुझे इतनी इंटरनेशनल ऑटोनॉमी मिल गई है कि मैं सूरत से बाहर निकलना चाहता हूं, मैं अपना मुल्क के बॉर्डर के साथ हूं तो उनके साथ मिलना चाहता हूं, नो नो नो, बिकॉज आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी मेजर पावर सेंटर के पास है, ऑटोनॉमी है लेकिन इतनी भी नहीं। लेकिन कॉन्फेडरेशन में आपके पास इतनी ऑटोनॉमी होती है कि आप जब चाहे, लाइक इसके लिए एग्जांपल के तौर पे कोट करते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन आपके शायद सिलेबस में भी है, इसको शायद पढ़ेंगे, तो आपने देखा कि 27-28 स्टेट्स ने मिलके यूरोप के अंदर एक अम्ब्रेला के तहत इकट्ठी हुई हुई थी, हर स्टेट की अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपना करेंसी उनकी सेम हो गई थी, वीजा और कुछ चीजें, बिजनेस कैपिटल उसके लिए उन्होंने फ्री कर दिए थे बॉर्डर्स, ओके। लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने ब्रेक्सिट का फैसला किया, क्यों किया, बिकॉज वो समझते थे कि भाई हमारा सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पुराना है, हम तो सुपर पावर रहे हैं, लीडिंग पोजिशन पे रहे हैं, और अब क्या हुआ है कि अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन के तहत एक स्टेट के लोग जितने भी उस यूरोपियन यूनियन में थे वो इस स्टेट के लोग बिना किसी वीजा उसके उस स्टेट में चले जाते थे, उसके आ जाते थे, ठीक है, फ्री कॉरिडोर हो गया था, ट्रेड फ्री हो गया था, कैपिटल फ्री हो गया था, करेंसी सेम हो गई थी, वो कहते थे कि हम ऑलरेडी थोड़े सुपीरियर हैं और हमारा ये वीजा ये चीजें इस्तेमाल हो रही, इससे हमारा लॉस हो रहा है, उस चीज को लेकर उन्होंने ब्रेक्सिट कर लिया यूके। वो कर सकते थे ब्रेक्सिट बिकॉज के एक टाइप ऑफ कॉन्फिडेशन थी वो, ठीक है, इसी तरह से कॉन्फिडेशन की कोई भी स्टेट ऐसी कर सकती है। आपने इसकी एग्जांपल सोवियत यूनियन जो था, आपने देखा कि जब सोवियत यूनियन था तो उस वक्त वो एक कॉन्फिडेशन था, बहुत सी स्टेट्स थी उन्होंने मिलकर एक पावरफुल गवर्नमेंट बनी हुई, लेकिन आपने देखा कि यूएस सॉरी इवान द्वार में जब 90s में वो निकले तो आप कहते हैं कि सोवियत यूनियन टूट गया, यूएसएसआर टूट गया, टूट गया नहीं, वो तो उनमें कॉन्फिडेशन थी, तो लिहाजा वो स्टेट्स सेंटर का जो कमांड था उस लेवल का नहीं रहा, लिहाजा आपने देखा कि सेंट्रल एशिया की जो स्टेट्स हैं वो लहदा लहदा हो गए, आपको ताजिकिस्तान अफगानिस्तान अजरबैजान लहदा लहदा हो गए, कॉन्फिडेशन थी ना, लिहाजा उनकी कॉन्फिडेशन खत्म हो गई, तो फिर आप जो है सोवियत यूनियन दोबारा फेडरेशन। आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखा, अब आपको पता है कि एक दौर था कि यूनाइटेड किंगडम जो है सुपर पावर वर्ल्ड की मोस्ट तकरीबन पूरे एशिया के ऊपर और अफ्रीका के ऊपर उन्होंने कॉलोनी बनाई थी, तो क्या ऐसा हुआ कि वो जो सुपर पावर यूके के पास थी वो शायद यूएसए के पास आ गई, उसके पीछे एक बड़ी रीजन जो मेंशन की जाती है दैट वाज द फॉर्म ऑफ यूरोपियन कॉम्पिटिशन, एक तरफ मैटर निकला और उसने कॉम्पिटिशन ऑफर कर दी, और यहाँ क्या था गिनती थी, ये कह नहीं सकते थे कि स्टेट आ जाए मिल जाए जब चाहे चले जाए, कर नहीं सकते, तो उन्हीं में आ रहे थे। आप बोलते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ने इवन सब कॉन्टिनेंट ने एक एफर्ट की थी कि वो यहाँ पे इसको यानी यूके और सब कॉन्टिनेंट के साथ जो हमारा रिलेशन है वो कॉन्फेडरेशन लाइक या फेडरेशन लाइक बन जाए, वो कहते थे कि आप सॉवरेन स्टेट बन जाए, रूल योरसेल्फ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे दे दे, लेकिन हम आपका सेंटर होंगे, हम इस पर एग्री नहीं हुए, इसलिए वो हमें टॉनी दे रहे थे, आपने देखा कि मिशन वहां मिशन ये एक्ट वो एक्ट, वो क्या था आपको टॉनी दे के टच चेक किया जा रहा था कि इस लेवल पे आके प्रॉमिस हो गया अगला था, लेकिन कॉम्पिटिशन में आते इस लेवल पे, लेकिन आप कर नहीं सकते ना, आपकी यूनिटी इन्होंने ऑफर की सुपर पावर आगे, लेकिन 1787 में कॉम्पिटिशन में खत्म करके तो यूएसए ने भी इसको अपना लिया फेडरेशन को, इस वक्त यूएसए में भी फेडरेशन है, ठीक है जी, और ऑनवर्ड सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। जी सेंटर का रोल होता है लेकिन इतना पावरफुल नहीं होता, सेंटर एग्जिस्ट तो करता है ना,
लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता, बिकॉज आपकी जो स्टेट्स हैं वो सॉवरेन है, वो अपने हर मामले में सॉवरेन है, पीपल को ड्रॉ कर सकते हैं। सो उस तरह से कंट्रोल होता है आर्मी जी। सर जो फेडरेशन के स्टेट्स मतलब यूनाइटेड है सर, उनके जो भी कोई भी सिस्टम हो सकता है यूनिटरी या फेडरेशन उन स्टेट्स के अंदर बोलते हैं। हाँ जो स्टेट सॉवरेन है वो विद स्टेट टू का अपना सेटअप है, अपना मैकेनिज्म है, समझ रहे हैं ना। सुपर। देखिए आप देखिए फेडरेशन के अंदर, फेडरेशन के अंदर अगेन वही बात है, स्टेट लेवल में हम पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, हम कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो अगर कोई सूबा कहे कि जी मैं उसमें बात की है, बात इलेक्शन सिस्टम जो है चीज ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम फेडरल के पास है, सेंट्रल के पास। तो कोई कहे कि नहीं जी हमने तो फेडरलिज्म अप्लाई करनी है अपने सूबे में, हम कहते नहीं। कोई कहे कि नहीं हम तो यहाँ पे हाँ कुछ चीजों में आप क्या कर सकते हैं, सूबा अभी भी कर सकता है, गवर्नर राय लगा सकते हैं। गवर्नर जो होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वफाक होता है। आप इसमें देखा कि जो क्या नाम है इस्माइल, पूरा नाम इमरान इस्माइल गवर्नर है, लेकिन वो पीटीआई में वफाक के, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स पार्टी है भाई, ठीक है। अच्छा गवर्नर आज की बातों का मतलब वफाक अपना इन्फ्लुएंस यूज करके गवर्नर राय लगा देगा, गवर्नर राय लगेगा इसका मतलब सब ही खत्म, इसका मतलब प्राइम बोलने जो चीफ मिनिस्टर है वो खत्म, ठीक है। जो गवर्नर आ जाए, गवर्नर राज ऐसे ही आएगा तो सूबा डायरेक्टली चला जाएगा अंडर द पाल, बिकॉज की प्रोविंशियल पार्लियामेंट खत्म हो गई तो डायरेक्ट चला जाएगा फेडरल पार्लियामेंट के अंदर उसके बाद, ठीक हो गया। लेकिन आप मुल्क से बाहर नहीं कर सकते, क्या आप कोई ऐसी कोई स्टॉप नहीं कर सकते जो वफाक लेवल पे इफेक्ट हो, समझते हैं ना। ये डेमोक्रेसी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूटेड डेमोक्रेसी तो कोई ये नहीं कह सकते कि आप बात ही कर रहे हैं, वफाक की चलेगी गवर्नर राम जा रहा है तो वफाक में कौन जिनका गवर्नर रहे, समझे। अब बेटा आपको यूनिटी कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन का कांसेप्ट क्लियर हो गया, कंफ्यूजन तो वही है, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर प्रश्न आ रहे हैं क्लासेस में, चार और प्रश्न आ गए पिछले 5 सालों में, 90% इसके आने की चांस है, ठीक है। अब थोड़ा सा इनको मैं आपको और डिटेल दे देता हूं और फिर आप 18% की जरूरत है, ठीक हो गया जी। अच्छा फेडरेशन की बात आप देखिए, दिस इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंसेस बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिवीजन थी बाय कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना, 1812 से, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, इन्होंने फेडरेशन पे एक डेफिनेशन है, अमेरिकन फिलोसोफर थे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, इन्होंने फेडरेशन पे एक डेफिनेशन दे रखी है, वो कहते हैं फेडरेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स पोलिटिकल It is a political contrivance, contrarance, जिसका मतलब होता है तजाद, सियासी एक तजाद है। फेडरेशन intended to reconcile, और इसका मकसद क्या है फेडरेशन का, रिकनसाइल करना, सुलह करना, कंपोनेंट यूनिट्स को साथ लेके चलना, intended to reconcile national unity with state rights। एक तरफ आप नेशनल यूनिटी की बात कर रहे होते हैं सेंटर, और दूसरी तरफ जब राइट्स की बात आती है, स्टेट की राइट्स की बात आती है, प्रोविंसेस की राइट्स की बात, तो आप वो राइट्स क्यों नहीं दे देते हैं डिवाइड करके, और नेशनल यूनिटी का भी ख्याल रखते हैं, तो इस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहता है फेडरेशन हो सकता है। रिकंसाइल नेशनल यूनिटी विद स्टेट राइट्स, ये बेटा डाइसे की नलिया लिखा, ये DICY डाइसे, इसको एवी डाइसे भी कहते हैं, अल्बर्ट वेन वी डबल एन अल्बर्ट वेन डाइसे, एवी डाइसे कह सकते हैं, सिर्फ डाइसे भी कह सकते हैं, जो भी डेफिनेशन है जो फेडरेशन के लिए आप वोट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये जो पावर्स हैं, ये जो हम फ्लो ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, वो पावर कौन कौन सी हो सकती है नॉर्मली, जैसे फॉरेन अफेयर्स के मामला आपको किसने देखना है, किसने इन्फ्लुएंस होना है, ये पावर है। जैसे फेडरेशन में भी
या इवन यूनिटरी में भी जो फॉरेन अफेयर्स है वो सेंटर के पास होते हैं, तो ये एक पावर है, एक चीज है। इसके बाद डिफेंस, डिफेंस भी सेंटर के पास होता है फेडरेशन में, ठीक है जी। हमारा जो पंजाब का सूबा है जो वाघा बॉर्डर है, तो वाघा बॉर्डर पे पंजाब की फौज तो नहीं ना लगी हुई, ठीक है जी। अफगानिस्तान के साथ हमारा केपी के और बलोचिस्तान के जो बॉर्डर लग रहे हैं वहां बलोचिस्तान के और केपी के की फौज तो नहीं लगी हुई, वो तो वफाक में है ना। तो जो डिफेंस है, हाँ, जो लॉ ऑर्डर की सिचुएशन है विदन प्रिवेंस, उसको 18th अमेंडमेंट के बाद और पहले भी फेडरेशन में प्रिवेंस ही देख रहा था। आप कहते हैं पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, ठीक है जी। तो वो जो पुलिस का हेड है वो प्रिवेंशन लेवल पे होता है और उसका सारी बजटिंग मामला पॉलिसी वो सारा प्रिवेंस अपने लेवल पे उसको देख रहा होता है कैसे करना है, केपी के भी अपनी लोशन के। सो डिफेंस जो है ये भी एक पावर है, फ्लो ऑफ पावर में जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा करेंसी, करेंसी, करेंसी वो पाक के पास, कम्युनिकेशन फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है जी, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेट लेवल की इंफॉर्मेशन किसने देनी, फाक ने। करेंसी ऐसा तो नहीं है कि जनाब के पीके वाले कहें कि जी हमने तो अपना नोट जो है वो इस तरह का बनाना है, थोड़ा लंबा करना है, कलर का चेंज करना है 100 के नोट का, ठीक है। करेंसी सेंटर के पास है फेडरेशन के बावजूद, 18 अमेंडमेंट्स के बाद भी, प्रोविजनल ऑटोनॉमी होने के बावजूद, ये वो पावर्स हैं जो हर हाल में सेंटर के पास ही रहेंगे। नेक्स्ट बेटा लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ। अच्छा, अब लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेंशन लेवल पे अगर पाकिस्तान की भी बात करें तो वो पावर, फ्लो ऑफ पावर में दे दी गई है प्रिवेंसेस को, लॉ एंड ऑर्डर आप ने अपना फुल मेंटेन करना है, उसकी अपनी पुलिस है, फोर्स है, इदारे हैं जो भी वो बनाए। इसके बाद बेटा हेल्थ, हेल्थ प्रिवेंशन लेवल पे दे दी गई है। इंडस्ट्री, ठीक है जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये दोनों लेवल पे चल रही है। टैक्सेशन, अब प्रोविंशियल एक्साइज सिस्टम भी है, ठीक है जी, लेकिन फेडरल भी है, तो ये बोथ वे चल रहे हैं, ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर वो कर सकते हैं। अच्छा, इंडिया जो है, इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो यूनिटरी प्लस फेडरेशन है। कोई पूछे आपसे कि इंडिया फेडरेशन है या यूनिटरी, तो वो यूनिटरी प्लस फेडरेशन है, मीन्स पूछ रहे कि इस तरह से भी हो सकता है। और वो वहां पे क्या है कि इंडिया की कुछ जो प्रिवेंसेस है वो उनको ऑटोनॉमी दे दी गई है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और कुछ वो नहीं दी गई और उसको डायरेक्ट सेंटर देख रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहां पे यूनिटी भी और फेडरेशन भी है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल अबू वाइट कश्मीर है, ठीक है। और जो है इवन हमने तो, अच्छा, और कुछ और भी उनके विदन स्टेट है वो, तो आप कह सकते हैं कि वहां पे यूनिटी प्लस जी बेटा स्टेट जो करती है उसकी सॉवरेन अथॉरिटी है, अच्छा जी। एक एक यहां पे बेटा ये तीन लिस्टें चलती थी, मैं सिर्फ कुछ इसको रिमूव करना है, तो चले इनको भी यहां पे देख लेते हैं, तीन लिस्टें। अगर पाकिस्तान लेवल की बात आप करें तो एक था कंकरेंट लिस्ट, एक थी फेडरल लिस्ट, एक थी प्रोविंशियल लिस्ट, ये तीन लिस्टें थी हमारी, कंकरेंट लिस्ट, फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। अब कंकरेंट लिस्ट क्या थी, कंक्रीट लिस्ट में कुछ चीजें शामिल की गई थी इस लिस्ट में, कुछ इश्यूज को, कुछ पावर्स को, जिसके अंदर वफाक भी अपना रोल प्ले कर सकता था और एक्शन ले सकता था और सूबा भी ले सकता था, बोथ के लिए था, ठीक है जी। और जो लाइक फेडरल और प्रोविंशियल, फेडरल लिस्ट में जो चीज आई थी वो फेडरल की पावर है, लेकिन आपने डिवीजन ऑफ पावर करनी है, डिवीजन ऑफ पावर के लिए आपने तीन लिस्टें बनाई थी। जो फेडरल की लिस्ट में आएगा उसके ऊपर सारे डिसीजन किसने लेने हैं, वफाक ने, ये क्लियर है। जो प्रोविंशियल लिस्ट में आएगा उसके सारे डिसीजन किसने लेने हैं, प्रिवेंस ने, ये भी क्लियर था। लेकिन एक लिस्ट पहले और भी शामिल की गई थी, व्हिच वाज टू बी नोन एज कंकरेंट लिस्ट। तो ये कुछ इश्यूज जो वफाक और सूबा मिलकर उस पर डिसीजन ले सकता, तो इसके ऊपर बड़ा फड्डा रहता था मामला, ठीक है। और डिसीजन लेने के लिए जब आते थे तो वफाक नॉर्मली उसमें लीड ले जाता था, क्योंकि वफाक के पास ज्यादा पावर थी तो वो प्रिवेंस के राइट्स को खत्म कर देता था या उसमें उसकी मानी नहीं होने देता था, ठीक हो गया। तो क्या हुआ, 18th अमेंडमेंट ने आके कंकरेंट लिस्ट को खत्म कर दिया कानून के मुताबिक। तो अब कोई ऐसी लिस्ट नहीं है जिसके अंदर जो मामलात हैं वो दोनों सूबा और वफाक मिलके देखें,
18th amendment में concurrent list को खत्म कर दिया गया। अब एक provincial list है, that is very clear, वो province के rights है, और एक federal list है, that's very clear, वो far के rights। ठीक हो गया? तो हम कह सकते हैं कि 18th amendment में concurrent list का खत्म करना basically the provincial autonomy के लिए बहुत बड़ा इतना। क्लियर होगी बात? यहाँ पे कोई confusion नहीं। अब देखें health जो है, हेल्थ जो है 18th अमेंडमेंट के बाद वो सूबों के पास है, और आपने देखा होगा कोविड को लेके, कोविड पॉलिसीज को लेके कमीशन का और बेहतर वफाक के साथ पंजाब वाले, तो चूंकि गवर्नमेंट वहां उनके वो कभी कहते हैं हम लॉकडाउन करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम ज्यादा करने लगे, चूंकि हेल्थ उनके पास वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो उस तरह से वो पॉलिसी एजुकेशन की पॉलिसी। ठीक है जी, सो ऑनवर्ड्स जी। अच्छा जी, फिर अगर हम देखें मतलब ये चीजें, अब कॉन्फिडेंशन क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है जी, 18th अमेंडमेंट को दोबारा लिख लेते हैं। अच्छा जी, यूनिटी का कॉन्सेप्ट तकरीबन आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो गया। पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, अगर हम इसका थोड़ा मुआवजना करें, बाद का क्वेश्चन आ जाता है कंपैरेटिव एनालिसिस का। ठीक है, तो उन कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर आपसे वो कंपैरिजन मार्क लेता है। ठीक है जी, तो अगर कंपैरिजन करवाना पड़े लाइक आ जाता है कि पाकिस्तान की फेडरेशन का उनका मुकाबला, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी फेडरेशन उसके साथ करें, तो कुछ हमारी फेडरेशन के अभी भी ड्रॉबैक्स हैं इवन आफ्टर 18th अमेंडमेंट। जिसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम आपको दूं तो जुडिशरी। ठीक है जी, आपका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशन कोर्ट्स हैं। ठीक हो गया, सेशन कोर्ट्स में अगर कोई तो अपील आप प्रोविंशियल लेवल पे हाई कोर्ट्स में जाते हैं, उसके बाद जब प्रोविंशियल लेवल का डिसीजन आ गया, उसके बाद अगर वहां पे भी क्लैरिटी ना हो तो पीपल हैव द राइट टू के वो अपील कर सके सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब है कि ये प्रोविंस की जो ऑटोनॉमी थी प्रोविंशियल लेवल पे लीगली जुडिशरी में, वो तो फिर उस तरह से वफाक सुप्रीम कोर्ट वफाक में है ना, तो डिस्टर्ब। जबकि अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो उनके स्टेट का हायर कोर्ट है वो लास्ट कोर्ट है। आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट में जो फैसला होगा, जैसे हमारी हाई कोर्ट में होता है, तो वहां पे जो लास्ट स्टेट की कोर्ट होगी उससे होगा, उसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। तो इवन जुडिशरी के अंदर भी उन्होंने फेडरेशन दे दी, समझते हैं हमारे यहाँ थोड़ा सा ये जी। दूसरी बात जो आप पहले शब्द कर रहे थे, एक होता है यूनिकैमरल, एक होता है बाय कैमरल। अब आप देखें हमारे जो प्रोविंस हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव है वो क्या है, यूनिकैमरल है ना। आपके सूबों के अंदर सूबाई असेंबली एक है, सूबाई सेनेट है नहीं है। वफाक के अंदर आपकी लेजिस्लेटर का जो प्रोसेस है कानून साजी का वो बाइकैमरल है, नेशनल असेंबली भी है और सेनेट भी है। इसका मतलब यहां पे लेजिस्लेशन के लिए ज्यादा मौके और ज्यादा अच्छा फोरम है, जबकि सूबों के पास उतना अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस लेवल पे लेजिस्लेशन के मामले में, कानून साजी के मामले में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी हमारा जो फेडरेशन का सिस्टम है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। आप क्रिटिस कानून साजी जो होती है वो कहां पे होती है, असेंबली में। हमारा जो वफाकी निजाम है उसके पास जो जो हमारा पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस इज टू बी नोन एज नेशनल असेंबली, अपर हाउस इज टू बी नोन एज सेनेट। कोई भी बात होती है पहले लोअर हाउस में डिस्कस होती है नेशनल असेंबली में, फिर वो पास होकर फिर वो अपर हाउस में जाती है सेनेटर्स के अंदर डिस्कस होती है और कानून बनता है। ठीक हो गया, तो लेजिस्लेशन का प्रोसेस फेडरल लेवल पे अच्छा है, ज्यादा डिबेटेबल है। प्रोविंशियल लेवल पे क्या है, एक ही असेंबली है, हर सूबे में एक ही असेंबली है प्रोविंशियल, उसका यानी वो एक ही हाउस है, लोअर और अपर का नहीं है, यानी सेनेट वाली बात नहीं है प्रोविंशियल लेवल पे। तो प्रोविंस सूबे की सतह पे अगर कोई कानून साजी करनी है तो उसकी डिबेट के लिए एक ही हाउस है ना आपके पास, तो इसका मतलब है कि सूबों के पास फेडरेशन वाइज, समझ रहे हैं, तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि इनको थोड़ा सा और करने की जरूरत है।
जी अच्छा बेटा एक और चीज जो है आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा फेडरेशन का, और वो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह से बिल्ड होगा वो मैं आपको बताऊं। जब आपको पता है कि हमारा एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था, जो हमारा मशरकी पाकिस्तान था ईस्ट पाकिस्तान वो 1971 में हमसे जुदा हो गया। उस टाइम उसका जो लीडर था वो कौन था? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान के जो 6 पॉइंट्स थे, अगर आप उन 6 पॉइंट्स का बगौर मुताला करें, नहीं फेडरेशन तो हम पहले ही थे। He demands confederation. In 6 points he demanded confederation. वो कहते थे कि ठीक है अगर मिलके भी रहना है तो फेडरेशन में नहीं, कॉन्फेडरेशन में। जब कॉन्फेडरेशन में आना था तो बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान सॉवरेन स्टेट बन जाना था, और हमने एक अलग सॉवरेन स्टेट होना था और कॉन्फेडरेशन के तहत हमने इकट्ठे होना था। ठीक है जी, हमने उनकी ये बात नहीं मानी, ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, बाकी फैक्टर्स ले अलग हो गया। तो देखिए आप, स्टेट हमसे अलग हो गई ऑनली बिकॉज ऑफ फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन, यानी इतना स्ट्रॉन्ग है। मैं कह रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सुपर पावर बन गई और यूके पीछे रह गया ओनली बिकॉज ऑफ यूनिटी और फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। तो मींस टू से कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जितने स्ट्रॉन्ग है इतने स्टेट्स पे इफेक्ट होते हैं। स्टेट का फ्लो, स्टेट का सिस्टम, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ इसमें चल रही होती है। आप कंपोनेंट यूनिट्स को किस लेवल पे साथ लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बहुत से लोग हैं यूनिटी के हाथ में, बहुत से लोग हैं फेडरेशन के हाथ में, बहुत से लोग हैं जो कॉन्फेडरेशन के हाथ में। ये तो डिबेटेबल चीज हो गई ना, आप इसको अच्छा समझते हैं, समझते हैं। लेकिन बहरहाल ये तीनों सिस्टम इतने इफेक्टिव है कि ये आगे चल के इतनी इफेक्टिव नहीं है। पूछा बोले जरा क्या अलग है? तो वो that was not working like a province at that time. आपको पता है कि east और west पाकिस्तान में more than 1100 kilometers का और बहुत सारे ऐसे factors थे। हम constitution 1956 में हमारे पढ़े रहे, onward 62 में पढ़े रहे, बंगाली और पाकिस्तानी को national language करने में पढ़े रहे, ethnicity इतनी थी, dynasty कितना था, फिर उसमें आप उसको command करने के लिए आपको वो provincial level का setup नहीं था, फिर India की involvement हुई, ठीक है, और फिर within जो देखें ये तो हम कह रहे हैं ना कि नहीं हो सकते, लेकिन अगर किसी सूबे में इस लेवल के ऊपर बगावत आ जाए, मूल रूप से भी तो है इस लेवल, क्या हो रहा है वहां पे इंसर्जेंसी की कोशिश हो रही है, इंटरनल सॉवरेनिटी को हम क्यों चैलेंज लगाया। हमने कहा 18th अमेंडमेंट में हमने जो बलूचिस्तान की क्लेम और डिमांड था ना जी, कुल मुख्तारी नहीं मिल रही और पीछे रह गए और ये हो, तो हमने उनको एनएफसी में पैसे दे दिए, भाई ये लो अपनी एजुकेशन को बेहतर करो, अपनी आप को बेहतर करो, मैं दुनिया नहीं इदारे बनाओ, क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं। सो अच्छा, और दूसरी बात ये कि अगर वो अलहदा हुआ था तो वो वफाक की मर्जी से नहीं हुआ था, हमारी विल तो नहीं थी ना उसमें कि जो उन्होंने लेटर बनवाने के लिए अलहदा हो जाए उसका वो जो कोई, ठीक है। तो अगर बगावत हुई तो उन पर टूटते हैं, फिर तो बहुत कुछ दुनिया में होता है, समझ रहे हैं। वो वाला सर ये तो मुझे भगवान से पूछना पड़ेगा, भट्टो से पूछना पड़ेगा, भट्टो तो अभी भी जिंदा है, मुझे भगवान का थोड़ा इशू हो जाएगा। आपको पता है कि ड्यू टू कॉन्फेडरेशन ना, जब यूके बना था 13 स्टेट्स थी उसके पास, सिर्फ 50 है आप यूके 3 हो गई, चलो ठीक है। ये क्यों हुआ? फेडरेशन थी, कॉन्फेडरेशन के साथ लेके आया, अगर यूनिटी में जाता तो शायद ऐसा ना होता और इतना स्ट्रॉन्ग ना होता, ठीक है। यूएस सर, तो यूएस की बात, यूके में नहीं की, यूएस की बात। अच्छा जी, आप अपने आप को क्लेम कर रहे हैं फेडरेशन पाकिस्तान के, अगर हम बात करें 18th अमेंडमेंट को लेकर के वो बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसलिए मैं पाकिस्तान के सिस्टम फेडरेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी, Objective resolution में आपने कहा था क्या federation है? देखिए, आपका 1956 का constitution कहता है क्या federation है? Constitution में mention है।
आपका 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम फेडरेशन, आपका 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम फेडरेशन, तो मतलब डे वन से पाकिस्तान वाज क्लेमिंग दैट वी आर फेडरेशन, सो फेडरेशन हम फेडरल हैं और डे वन से हमारा क्लेम है फेडरेशन। अच्छा ये जो 18th अमेंडमेंट है हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिटेल में पढ़ लें, ये आप ये ध्यान में रखें कि आप 18th अमेंडमेंट जो है इसके ऊपर आपका ऐसे भी आ सकता है 18th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, इसको आप पार्शियल अफेयर्स में भी देख सकते हैं बड़ी डीपली, यानी 18th अमेंडमेंट जो है वो बहुत बड़ी एक अमेंडमेंट है, ठीक है, और बड़ी इंपॉर्टेंट है पार्शियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो इसकी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस हिसाब से आपने इसको देखना है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस में भी इफेक्ट कर रही थी, हमें देखना पड़ा। 18th अमेंडमेंट जो है देख रहे पार्लियामेंट ने इसे अप्रूव किया था जी 8 अप्रैल 2010 को, जी अप्रैल 8 2010 को, और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था इसको 19 अप्रैल 2010 को, अप्रैल 19 2010 को प्रेसिडेंट ने साइन किया था। जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो इसका मतलब है कानून का हिस्सा इनफैक्ट ये तब बनता है, ठीक है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव कर दिया था तो इसलिए जो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो इसका मतलब प्रेसिडेंट हैज द राइट कि वो उसको अप्रूव ना करे, ठीक है, लेकिन बहरहाल नॉर्मली तो ये दोनों डेट्स को आपको देख के रखना पड़ेगा, रिवेक हो सकती है, अच्छा फिर प्रेसिडेंट के पास चली जाए फिर प्रेसिडेंट उधर है प्रेसिडेंट तब लगा लो इसीलिए बेटा जो प्रेसिडेंट आपका होता है सही कह रहे हैं जो आपका बेटा प्रेसिडेंट होता है तो वो जब वोट तेरी बात सुने प्रेसिडेंट जो है वो किन के वोटों से प्रेसिडेंट बना होता है सर वो खाने को पार्लियामेंट से तो उसमें उसकी स्वीकृति होती है ना तो जिनका बना होगा तो सीधे प्रूव करके भेजेगी ना क्यों नहीं करेगा सर वो अगर नहीं करता है उसके डिटेल्स सर वो क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली सर अगर वो प्रेसिडेंट सर क्लियर नहीं ना करेगा सर विद इन 18 डेज हां वो सर माना जाएगा कि ये साइन कर दिया अच्छा जी असल जो थोड़ी सी इसकी आपको हिस्ट्री भी देखनी है असल जो 18th अमेंडमेंट का खड़ा था वो 8th अमेंडमेंट से शुरू हुआ हिस्टोरिकली इसको भी आप देखें इसको भी देखते हैं अच्छा जी थोड़ा सा आप चूंकि अप्रूव 8 अप्रैल को हो गई थी तो आप देख सकते हैं अच्छा उसके प्रेसिडेंट कौन थे जी आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और 18th अमेंडमेंट को कहा जाता है कि लार्जेस्ट द लार्जेस्ट या द बिगेस्ट सबसे बड़ी सबसे लंबी ये अमेंडमेंट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी इसको राइट हासिल है इसमें तकरीबन 97 आर्टिकल अमेंड किए थे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के कितने 97 आर्टिकल आपने अमेंड कर दिए और 97 आर्टिकल का मतलब बनता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का तकरीबन 1/3 हिस्सा आपने अमेंड करके रख दिया इस अमेंडमेंट के जरिए ठीक हो गया जी ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था 18th अमेंडमेंट का अच्छा अब हम पढ़ रहे हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री हिस्ट्री में 8th अमेंडमेंट जो है जब हुई तो बेटा उस टाइम प्रेसिडेंट जो थे वो थे ज़ियाउल हक ने नवंबर 1985 को 8th अमेंडमेंट करवा दी 1973 के अंत में ठीक हो गया नवंबर 1985 अब इस अमेंडमेंट में क्या ऐसा उन्होंने कर लिया था उन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई थी दैट इज आपने बहुत सुन रखी होगी 58 2B
ये 58(2)(b) क्या है जो एक अमेंडमेंट में उन्होंने प्रूव करवा के एक नया आर्टिकल में अमेंडमेंट की। बेसिकली वो ये है कि 58(2) भी आपने बहुत सुनी होगी डिबेट में, डिस्कशंस में, क्या है 58(2)? ठीक है जी, यानी जो आपका प्रेजिडेंट अपनी आपकी असेंबलीज हैं उनको डिसॉल्व कर सकता है प्रेजिडेंट। तो जब असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएगी तो आपका पूरा का पूरा पार्लियामेंट सिस्टम इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर सब खत्म हो जाएगा। तो फिर अबूरी हुकूमत कायम होगी और फिर उसके बाद नए इलेक्शंस होंगे और फिर दोबारा नई गवर्नमेंट आएगी। क्योंकि बेसिकली जो ज्यादा पावर्स थी 58(2)(b) के तहत वो किसके पास चली गई थी? और ज़ियाउल्लाह ने ऐसा क्यों किया था? बिकॉज वो उस टाइम क्या थे? ठीक हो गया। और ये उन्होंने नवंबर 8 में ये तरमीम करके वो पावर्स किसके पास ले गए? अपने पास। नेक्स्ट बेटा, ज़ियाउल्लाह ने इन पावर्स का प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी किया था और वो इस्तेमाल अगर हम हिस्टोरिकली देखें लिख लें 10th प्राइम मिनिस्टर आपके जो थे 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो थे मिस्टर जनेजो। और मिस्टर जनेजो जो थे इनका पूरा नाम था मोहम्मद खान जनेजो। मोहम्मद खान जनेजो 1985 से 1988 तक रहे थे और प्रेसिडेंट ने खुद ही इनको नॉमिनेट किया था, प्रेसिडेंट बने थे और बाद में 24 मार्च 1985 को 24 मार्च 1985 को इन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट लिया, प्राइम मिनिस्टर बन गए और फर्स्ट टाइम ज़ियाउल्लाह ने 58(2)(b) का इस्तेमाल किया 29 मई 1988 को 29 मई 1988 को और इस तरह से 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर खान जुनेजो की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई। ठीक हो गया, क्योंकि ये पावर 8th अमेंडमेंट के तहत 52(b) के तहत किसके पास थी? प्रेसिडेंट के पास थी और ज़ियाउल्लाह प्रेसिडेंट थे और उनके क्लैशेस चले जुनेजो के साथ और उन्होंने 58(2)(b) का इस्तेमाल किया और उनको खत्म कर दिया। यहां तक बात क्लियर है जी? बेटा पहले तो डेट भी बताइए और दो से तीन दफा बताइए आप। 29 मई 1988 को 29 मई 1988 को पहली दफा 58(2)(b) का इस्तेमाल ज़ियाउल्लाह ने किया और वो जनेजो जो 24 मार्च 1985 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ 10th प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने थे उनको उनकी गवर्नमेंट को। इसके बाद क्या होता है कि 17 अगस्त 1988 को 29 मई को उन्होंने खत्म किया, अबूरी हुकूमत कायम हो गई। 17 अगस्त 1988 को एक एयरक्राफ्ट में ज़ियाउल्लाह की डेथ हो जाती है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लिख लें, पर्सनल अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख लें, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख लें, करंट अफेयर्स में लिख सकते हैं आप, ये आपका इंग्लिश एसे में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसके बाद नए प्रेसिडेंट बने गुलाम इसहाक खान। गुलाम इसहाक खान चूंकि ज़ियाउल्लाह की डेथ हो गई, जल्दी से लिखें, स्पीड से लिखें, ज़ियाउल्लाह की डेथ हो गई तो उसके बाद नए प्रेसिडेंट बने गुलाम इसहाक खान। कब बने? 13 दिसंबर 1988 को। गुलाम इसहाक खान कब नए प्रेसिडेंट बन गए? 13 दिसंबर 1988 को, बिकॉज ज़ियाउल्लाह की एयरक्राफ्ट में डेथ हो गई। क्लियर? कब डेथ हुई मैं आपको बता चुका हूं। अब ज़ियाउल्लाह 13 दिसंबर 1988 से 1993 तक रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर ज़ियाउल्लाह। गुलाम इसहाक खान की बात कर रहा हूं 1993 तक। अब जो गुलाम इसहाक खान थे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी दोनों के कंसेंसस, दोनों बड़ी क्रिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ बने थे प्रेसिडेंट। ठीक हो गया जी? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद प्लस पीपल्स पार्टी। सो चूंकि 10th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे मोहम्मद खान जुनेजो उनकी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई थी तो 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनी बेनजीर भुट्टो। कब बनी? 2 दिसंबर 1988 को। प्रेसिडेंट नहीं हुआ जी? तो भी क्या करेंगे? क्या करें?
जी, तो 6 अगस्त 1990 को 2 दिसंबर 1988 को प्राइम मिनिस्टर बनी 11वीं फर्स्ट टाइम। 6 अगस्त 1990 को इनकी गवर्नमेंट खत्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि गुलाम इसहाक खान ने 58(2)(b) का इस्तेमाल किया बिकॉज ही वाज द प्रेसिडेंट और उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। सेकेंड टाइम 8th अमेंडमेंट में मिलने वाली 58(2)(b) का इस्तेमाल हो गया बाय गुलाम इसहाक खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पहली दफा किसने इस्तेमाल किया था? जियाउल हक ने। तो अल्टीमेट इनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई, 11वें प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गए, 12वें प्राइम मिनिस्टर आ गए। 12वें प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ 12वें प्राइम मिनिस्टर थे और फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने 6 नवंबर 1990 को। 6 अगस्त 1990 को बेरेली की गवर्नमेंट खत्म हुई तो 6 नवंबर 1990 को नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए और 18 जुलाई 1993 को गुलाम इसहाक खान ने तीसरी दफा, और गुलाम इसहाक खान ने बेसिकली दूसरी दफा और वैसे ओवरऑल तीसरी दफा 8th अमेंडमेंट के तहत 58(2)(b) का इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को भी ठीक हो गया। अब 8th अमेंडमेंट का कितनी दफा इस्तेमाल हो गया? 3 दफा। एक दफा किसने किया? दो दफा किसने कर दिया? बेनजीर की पहली गवर्नमेंट किसकी वजह से गई? ठीक है, 58(2)(b) और दूसरी दफा नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट किसकी वजह से गई? तो इसका मतलब है 18th अमेंडमेंट इज नॉट गुड, 8th अमेंडमेंट इज नॉट गुड उनके लिए। आपको नहीं मसला होना चाहिए, खत्म हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा जल्दी से लिख लें आप। तो फिर 13वीं 10वां जुनेजो, 11वीं बेनजीर, 12वीं नवाज शरीफ, 13वीं दफा फिर बेनजीर भुट्टो आई, सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी। और उस टाइम तक फिर क्या हुआ कि ये जब नवाज शरीफ का गवर्नमेंट इन्होंने खत्म की थी तो नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर उनकी गवर्नमेंट को बहाल कर दिया था। लेकिन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान इतने ज्यादा क्लैशेज आ गए थे के सारी पावर्स ने मिलके डिसाइड किया कि प्रेसिडेंट भी जाए, प्राइम मिनिस्टर भी जाए, नया इलेक्शन हो, नया प्रेसिडेंट आए, नए प्राइम मिनिस्टर आए, ठीक है। लिहाजा नए प्रेसिडेंट जो आए वो आए फरूक लगारी, ठीक है जी। गुलाम इसहाक खान के बाद कौन आए नए प्रेसिडेंट? फरूक लगारी। फरूक लगारी आए प्रेसिडेंट 18 अक्टूबर 1993 को और ये प्रेसिडेंट रहे हैं 5 नवंबर 1996 तक। 5 नवंबर 1996 तक लिख लिया। तो बेनजीर की सेकंड टाइम गवर्नमेंट थी, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट कौन खत्म कर गए थे? क्यों? 58(2)(b) लॉजिक फरूक लगारी के साथ। आपको पता ना कि फरूक लगारी को पापा जी कहते थे। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि अगेन बेनजीर भुट्टो के क्लैशेस एज अ 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो फरूक लगारी के साथ पैदा हो गए और फरूक लगारी ने दोबारा इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। 58(2)(b) से जी 58(2)(b) का कितनी दफा इस्तेमाल हो गया? आई किसके किस अमेंडमेंट के साथ थी? 8th अमेंडमेंट 58(2)(b) क्लियर। अच्छा, अब आपको पता चलेगा 18th अमेंडमेंट क्यों लाना पड़ी, 17th अमेंडमेंट क्यों आई। अब आपको ये चीजें क्लियर होगी, शरफ ने क्या किया 18th अमेंडमेंट में, आपको चीजें क्लियर होगी। बेटा 14वें प्राइम मिनिस्टर आ गए नवाज शरीफ। सर इनकी डेट क्या थी जब 5 नवंबर 1996 14वें नवाज शरीफ आ गए जी, 14वें प्राइम मिनिस्टर कब आए? 17 फरवरी 1997 को और इस दफा वो गए 12 अक्टूबर 1999 को और इस दफा वो 58(2)(b) की वजह से नहीं गए, मुशर्रफ की वजह से गए, ठीक है। क्यों नहीं गए 58(2)(b) की वजह से? इसलिए कि इस दौरान 58(2)(b) को खत्म कर दिया गया था और वो खत्म किसके जरिए किया गया था? 8th अमेंडमेंट के जरिए आने वाली 58(2)(b) को खत्म किया गया नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में और वो किया गया 13th अमेंडमेंट के जरिए, 13वीं अमेंडमेंट, ठीक हो गया जी। और 13 अमेंडमेंट जो थी वो 1997 में आई। सभी सर ये बात की समझ में, 8th अमेंडमेंट को 13th अमेंडमेंट के जरिए, 8th अमेंडमेंट में 58(2)(b) थी,
आपने 13th अमेंडमेंट ले आए, 58(2)(b) को खत्म कर दिया, एक अमेंडमेंट को पावर को खत्म करने के लिए अगली अमेंडमेंट लाना पड़ेगा ना, क्लियर जी। तो 13th अमेंडमेंट 1997 को आ गई, आप हिस्ट्री में अगर आपको 18th अमेंडमेंट पे पूरा क्वेश्चन आ जाता है तो आप पिछली चार अमेंडमेंट का रेफरेंस देंगे हिस्ट्री में, 20 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ तो लिखेंगे उसमें, नहीं इंपॉर्टेंट था कि मैं व्हाई व्हाई वाज से मतलब 9 10 पर वो दो द नॉट कंसर्न टू अस, कोई जरूरी तो नहीं है ना 8 के बाद बेटा जो 9th अमेंडमेंट आएगी तो वो 58(2)(b) के रिलेटेड ही होगी, और भी तो इशू हो सकते हैं ना दुनिया में, और भी कई मसाइल हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये बात कह रही थी, मैंने कहा आप ये कह रही हैं कि ये 8 से ऑनवर्ड पिछले कोई इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा इसका मतलब पिछले पेज भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी अब आपकी बेटा 13th अमेंडमेंट चूंकि आ गई, 58(2)(b) खत्म हो गया, पावर प्रेसिडेंट से वापस चली गई, मुशर्रफ आ गए 12 अक्टूबर 1999 को और नवाज शरीफ की 14वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर गवर्नमेंट द्वारा उन्होंने आके खत्म कर दी, 58(2)(b) नहीं था उस टाइम, ठीक है, उन्होंने एक और प्ली ली और उसकी वजह से उन्होंने किया मार्शल लॉ किया, ठीक हो गया जी। अच्छा अब चूंकि मुशर्रफ 12 अक्टूबर 1999 को आए थे और क्या बने थे प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट बनने के लिए अगेन पावर किधर चाहिए थी, वापस जानी चाहिए थी ना जिधर ज्यादा लेके गए थे, लिहाजा एक और अमेंडमेंट आई और वो अमेंडमेंट थी 17th अमेंडमेंट, 13वीं के बाद कौन सी आ गई और ये किसकी वजह से आई, मुशर्रफ, और इस अमेंडमेंट को 2003 में लाया गया और दोबारा 58(2)(b) को ले आए, दोबारा पावर किसके पास चली गई, 8 आई 13th आई 17th आ गई, तो 17 के बाद 18 बनती है ना, तो क्या हुआ होगा पता अच्छा मैं आपको दोबारा बताऊं, 18th लेके आए ज़िया, 13th जो है वो लेके आए वो नवाज शरीफ, 17th लेके आए मुशर्रफ साहब और 18वीं जो है वो लेके आए सरदारी, और 18 से 13 और 13 से 17 और 17 से 18 अमेंडमेंट का ये सफर था, ये हिस्ट्री थी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आई टोल्ड यू, क्यों खत्म हो रही थी, क्यों आ रही थी, आई टोल्ड यू, क्लियर कॉन्सेप्ट इज क्लियर जी बेटा। अब ये जो 18th अमेंडमेंट थी उसमें कुछ चीजें अच्छी थी और कुछ चीजें अच्छी नहीं थी, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेते हैं, 15 मिनट यार ये टाइम कोई रोक सकता है दुनिया में, कोई रोक सकता है तो रोक ले। आपने जो ठीक है ठंडे बात जो है वो कहां से लेके आऊं, स्टूडेंट जो कहें कि सर नहीं पढ़ना। अच्छा जी 18th अमेंडमेंट जब आई तो अल्टीमेट आपने क्या किया, एक तो 58(2)(b) पे काम हुआ लेकिन उसके साथ साथ आपने प्रोविंसेस को राइट दिया, आपने पढ़ा कि 18th अमेंडमेंट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बिगेस्ट अमेंडमेंट थी, तो इस 18th अमेंडमेंट में एक तो आप बेटा लेके आए एनएफसी, एनएफसी अवार्ड, ये भी आपने बड़ी दफा सुन रखा होगा शायद, नेशनल फाइनेंस सी फॉर कमीशन, ठीक है जी। एनएफसी किस अमेंडमेंट के तहत आया था, 18th अमेंडमेंट के तहत, और इस अमेंडमेंट के साथ आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन बना दिया। नेशनल फाइनेंस कमीशन ने क्या किया कि जो नेशनल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट थे या नेशनल वेल्थ थी, ठीक है जी, उसको डिवाइड कर दिया, सूबों को दे दिया ज्यादा, ठीक है जी, और ज्यादा इसलिए दे दिया ताकि सूबे जो है वो थोड़ा सा प्रोविंशनल ऑटोनॉमी आ जाए, उनको ज्यादा पैसे दे दें और कुछ चीजें उनको और दे दें, और कंक्रीट लिस्ट खत्म कर दिया आपने 18th अमेंडमेंट में, आपने कंक्रीट लिस्ट खत्म कर दी, खत्म हो गई, क्लियर है, सूबे के इख्तियार सूबे के पास और विभाग के पास, इन बिटवीन वाली बात खत्म, पैसे बांट दिए आपने एनएफसी के जरिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए पैसे दे दिए सूबों को और चीजें क्लियर हो गई, ठीक हो गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बेहतर हो रही है। अच्छा जी जब एनएफसी के तहत आपने नेशनल वेल्थ को डिवाइड करना था तो किसी को सूबे को कितने पैसे दें,
इसके लिए चार चीजों का ख्याल रखा गया, ऐसा नहीं है कि भाई इक्वल पैसे बांट रहे, चार चीजों का ख्याल रखा गया। फर्स्ट वन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, सेकंड वन रेवेन्यू कलेक्शन, थर्ड वन पॉवर्टी, फोर्थ वन रिवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी, फोर्थ वन क्या रिवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको बेटा ज्यादा से फिर हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पॉपुलेशन रिलेटेड है, उसमें अगर कोई कमी तो नहीं हो रही, मामूली ऐसा नहीं होगा। सेंटर के पास एनएफसी से पहले जो नेशनल वेल्थ का शेयर सेंटर को मिलता था वो था 53.5% टोटल का सेंटर को, क्योंकि एनएफसी से पहले 18th अमेंडमेंट से पहले भी तो आप सुबह को दे रहे थे ना, लेकिन अब तो आपने प्रॉपर, तो 18th अमेंडमेंट और प्रोविंसेस को मिलता था 46.5%, ये सेंटर के पास था और ये प्रोविंसेस के पास था, ठीक हो गया जी। मफाद के पास ज्यादा पैसे थे, सूबों के पास कम थे। एनएफसी अवार्ड आया तो आपने वफाक का जो शेयर है वो कर दिया 42.5% और प्रोविंसेस का 57.5% कर दिया। देख रहे हैं आप सूबों को पैसे ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है जी, ज्यादा जा रहे हैं पैसे, पहले इतने थे टोटल नेशनल वेल्थ क्या इतने, ठीक है, वफाक के कुछ पैसे चले गए। इस वजह से ये बहुत बड़ी डिबेट है, 18th अमेंडमेंट के बाद हमारा जो ऑफिशियल फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ गया, सर्कुलर डेट्स बढ़ गए हैं, यानी वफाक के पास पैसे कम रह गए हैं ना, तो वफाकी सतह के ऊपर जो बजट और बाकी जो चीजों के खर्चे हैं वो देने के लिए और कर्जे देने के लिए पैसे कम बच गए, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक डिबेट है कि 18th अमेंडमेंट के बाद नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद वफाक के पास पैसे कम होने की वजह से हमारे मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, ठीक है जी, क्योंकि आपने प्रोविंसेस को दे दिए, प्रोविंसेस ने तो जो नेशनल डेफिसिट है उसके लिए काम नहीं करना, ठीक हो गया। ये भी एक डिबेट में आप फैक्चुअल फिगर्स को कोट करें बेटा। अच्छा जी, एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है, पंजाब के पास पहले जो था एनएफसी अवार्ड के पहले पैसे थे 52, यानी ये एनएफसी अवार्ड से पहले 56.5% का 53.2% जो है वो मिलता था पंजाब को, क्योंकि बड़ा सूबा था ना, टोटल पैसे ये थे, इनका 56.5% सूबों के पास जाता था। अब ये जो पैसे ये सूबों के हैं ना सबके, इनका फर्दर शेयर होना था ना, तो इनका फर्दर शेयर इक्वल तो नहीं ना होना था, तो इनका फर्दर शेयर होने के लिए पंजाब को पहले इस 56.5 का 53.2% मिलता था, एनएफसी के बाद ये हमें मिलने लग गया 51.74%, ठीक हो गया। तो अब हमें क्या हुआ, पैसे कम मिलने लगे पंजाब को, हालांकि पॉपुलेशन तो ज्यादा थी उस टाइम, जब जरदारी की गवर्नमेंट थी वफाक में और 18th अमेंडमेंट और एनएफसी अवार्ड अप्रूव हो रहा था, तो पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि नून लीग जो 53.2% ले रही थी ऑलरेडी टोटल शेयर का, वो ज्यादा लेने की बजाय, जबकि पैसे वफाक के पास ज्यादा आ गए तो शेयर ज्यादा लेना चाहिए, तो ज्यादा की बजाय उल्टा शेयर हमने काम कर दिया, बावजूद इसके कि पॉपुलेशन ज्यादा थी, जिस वजह से मैं कह रहा था कि पॉपुलेशन रिवर्स को छोड़े। अब ऐसा क्यों किया, इसको तो क्वेश्चन हासू तो आपने नहीं सोच रहा, ऐसा इसलिए किया कि पंजाब में नूली की गवर्नमेंट, नवाज शरीफ पहले कितनी दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, तीसरी दफा बने, आप तीसरी दफा बने, कानून में ये इख्तियार पहले नहीं, उन्होंने कहा था ज्यादा रखो पैसे को दो काट के दे देता है, सानू बनाओ पैसे नहीं कहते, क्लियर, दिस वाज द रीजन। एक और चीज बेटा, सीसीआई आपने सुन रखा होगा शायद, कॉमन इंटरेस्ट के लिए सीसीआई आपका 1973 से एग्जिस्ट करता है, और ये है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, काउंसिल
ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई आपके कॉन्स्टिट्यूशन 1973 से ये मौजूद है। और पहले जो सीसीआई था वो था अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैबिनेट डिवीजन। किसके अंदर था ये? कैबिनेट डिवीजन की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर था सीसीआई। ठीक है, 18th अमेंडमेंट के बाद इसको 4 मार्च 2010 को कॉमन क्या है इंटरेस्ट के लिए सॉरी कॉमन काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको किसके अंडर कर दिया गया? इसको अंडर कर दिया गया इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए भी एक मिनिस्ट्री कायम है। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा ये जो कमीशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट था इसका बुनियादी मकसद ये है कि अगर सूबों के दरमियान या वफाक के दरमियान या कहीं कोई झगड़ा या सबके कॉमन इंटरेस्ट के लिए कोई डिसीजन लेना है तो ये रिकमेंडेशन देता है। अब पहले ये जो था वो इसका जो है डिवीजन जो थी या इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो डिफरेंट थी और वो इफेक्टिव हो रही थी। तो 18th अमेंडमेंट के बाद आपने इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल के अंडर कर दिया और इसको एग्जैक्टली इधर होना चाहिए था बिकॉज के अगर कोई इशू बनेगा तो सीसीआई देखेगा ना, तो वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल जो इश्यूज है उनको देखेगा। तो ये एग्जैक्टली इसके नीचे होना चाहिए था तो इनको इसके नीचे कर दिया गया। और ये हुआ आर्टिकल 51 और 54 में। अच्छा 18th अमेंडमेंट में एक और चीज भी ली गई और वो चीज जो है वो ये ली गई 18th अमेंडमेंट में कि एक आपने बड़ा सुना होगा आर्टिकल 6 बेसिकली हाई टेरिज्म जी मुशर्रफ ऑलरेडी आ चुके थे, मार्शल लॉ आ चुके थे, लिहाजा आर्टिकल 6 हम उनके ऊपर अब भी अप्लाई करने की बातें करते हैं। लेकिन 18th अमेंडमेंट में जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी और 18th अमेंडमेंट आ चुकी थी तो इस आर्टिकल को भी फर्दर रिवाइज किया गया और इसमें ये बात शामिल की गई कि अगर क्योंकि वो पीसीओ जजेस ये वो सारे मामले तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा करने में जिस बंदे की सपोर्ट भी कोई करेगा ना तो सपोर्टर्स के ऊपर भी आर्टिकल 6 हम लगा देंगे। सपोर्टर्स में भी गद्दारी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में 58(2) भी है ही नहीं तो आपके पास इख्तियार ही नहीं है। तो अगर आप वो इख्तियार फिर भी इस्तेमाल कर लें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बगैर इसके मुल्क के साथ गद्दारी की। ठीक हो गया। अब चूंकि ऑलरेडी अब यहां पे एक चीज सवाल है वो सवाल ये है कि चूंकि ऑलरेडी 13वीं अमेंडमेंट के तहत 58(2) भी खत्म हो चुका था, मुशर्रफ ने किस बुनियाद पे टेक ओवर किया नवाज शरीफ से? तो वो था बेटा हैड अबायंस। ये 58 ये जो 6 आर्टिकल है उसमें टर्म मौजूद थी अबायंस की और ये अबायंस मीन अदम इत्मीनान। वो कहते थे चले 58(2)(b) के तहत तो आप नहीं कर सकते लेकिन अगर कोई आपको अदम इत्मीनानी है तो देन आप इस चीज की प्ली लेके ऐसा कर सकते हैं गवर्नमेंट को खत्म कर सकते हैं। तो इसी चीज की प्ली लेके मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को खत्म किया। तो 18th अमेंडमेंट में उन्होंने ये भी खत्म कर दिया प्लस आर्टिकल 6 को फर्दर डेवलप किया प्लस सपोर्ट करने वालों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से सब कुछ क्या हो रहा था
कि जी गवर्नमेंट चेंज ना हो, प्रोविंसेस के राइट्स उनको मिले, तो एक तरफ आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे थ्रू योर 18th अमेंडमेंट, और दूसरी तरफ आप 58(2)(b) की जंग लड़ रहे थे, ठीक है, और उसका ताल्लुक अगेंस्ट 18th अमेंडमेंट से, 13th अमेंडमेंट थे, 17th अमेंडमेंट से, 18th अमेंडमेंट, तो ये दो डायमेंशंस पे आप काम कर रहे हैं। जब आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, एनएफसी ले आए आप, सीसीआई ले आए आप, ये किया वो किया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, दूसरी तरफ आप ये जब कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं कि सेंटर की गवर्नमेंट भी कोई आके तोड़े ना, डिक्टेट ना हो जाए, समझ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को एनहेंस कर दिया गया, 58(2)(b) जब खत्म हुआ तो पावर्स किसके पास आ गई, 18th अमेंडमेंट के साथ ज्यादा पावर्स किसके पास आ गई फिर, ठीक है, 18th अमेंडमेंट में लोकल गवर्नमेंट को भी स्ट्रेंथन करने की बात की गई कि जो प्रोविंसेस हैं चूंकि उनको पैसे दे दिए गए हैं तो वो प्रोविंसेस लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स को डेवलप करेंगे, इसलिए आपको प्रोविंसेस के अंदर लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज बनाना पड़ेगा, आपको बार बार लोकल गवर्नमेंट की बात करना पड़ती है, बिकॉज 18th अमेंडमेंट सेज कि आप लोकल गवर्नमेंट्स को बेहतर करेंगे, जब लोकल गवर्नमेंट्स अच्छी होती हैं तो लोकल लेवल के ऊपर, यूनियन लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही होती है, काम हो रहे होते हैं, डेवलपमेंट्स आ रही होती है, गलियां मोहल्ले सड़कें बन रही होती है, तो इसलिए ये भी कहा गया कि आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दें, लेकिन और ये लोकल गवर्नमेंट के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ रहा है आपके सीएसएस में, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है, अलग से। अच्छा, दूसरी बात, 18th अमेंडमेंट से पहले जो फेडरल मिनिस्टर होते थे, फेडरल मिनिस्टर सिर्फ आंसरेबल था नेशनल असेंबली को, कोई भी मसला आता था फेडरल नेशनल असेंबली में जाता था, कहता भाई जल्दी हो गई डिफेंड कर, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद आपने कहा कि ये सेनेट के पास भी जाएगा, सेनेट को भी जवाब दे फेडरल मिनिस्टर, ठीक है, तो इस तरह से आपने सेनेट को भी स्ट्रेंथन किया थ्रू योर 18th अमेंडमेंट। इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की गई 18th अमेंडमेंट में, पावर ऑफ सेनेट को बेहतर करने की बात की गई 18th अमेंडमेंट में, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने की बात की गई, आप पढ़ चुके हैं सर, आपने भी सेनेट की बात, इलेक्शन रिफॉर्म्स। अच्छा जी, कुछ नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं, क्रिटिसिज्म भी आप कर सकते हैं 18th अमेंडमेंट पे, तो उसमें एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो ऑलरेडी आया था डिस्कस्ड, कि वो कहते थे कि जी नेशनल फाइनेंस कमीशन जो आपने बनाया और पैसे जो आपने सूबों को ज्यादा दे दिए, तो हम जो कि ऑलरेडी आया हुआ है और उधर से डेफिसिट में जा रहे हैं, बजट हमारा डेफिसिट में होता है, तो लिहाजा गवर्नमेंट को फाइनेंशियल क्राइसिस का सेंटर को सामना है, बिकॉज के पैसे ज्यादा प्रोविंसेस को दे रही है, तो क्योंकि आपने एनएफसी अवार्ड 18th अमेंडमेंट में लेके आए हैं, तो 18th अमेंडमेंट के नेगेटिव पॉइंट्स में या क्रिटिसिज्म नेगेटिवली में आपकी चीज लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज बेटा, अगर हम बजट डेफिसिट की बात करें तो एक डिबेट ये भी है कि जी एनएफसी वार्ड, सॉरी 18th अमेंडमेंट के बाद आपने सूबों को ज्यादा पैसे दे दिए, लेकिन सूबों की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें कोई आपको मतलब 2010 से लेकर आज 2021 तक 11 सालों में क्या सूबों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स आ गई है? आपका हेल्थ सिस्टम बहुत आगे चला गया हो, कोई 8-10 हाथ गली मोहल्ले का हॉस्पिटल बन गया हो, स्कूल बेहतर हो गए हो, एजुकेशन, तो एक डिबेट ये भी है कि एनएफसी वार्ड के जरिए गो के सूबों को ज्यादा पैसे मिले, लेकिन 18th अमेंडमेंट में आने वाले एनएफसी वार्ड की वजह से सूबों में वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी जिस लेवल पे होनी चाहिए थी, वाइल दे आर गेटिंग मोर शेयर ऑफ नेशनल वेल्थ। इज इट क्लियर जी बेटा? और एक और बड़ा जो है वो डिबेट है कि वो मैं आपसे करता हूँ, हेलो अस्सलाम, मैं क्रिटिक में हूँ, मैं आपको कॉल बैक करूँ थोड़ी देर तक, कहिए। अच्छा जी, अब 18th अमेंडमेंट जो है इसके ऊपर एक और क्रिटिसिज्म है, और वो क्रिटिसिज्म ये है, अगर आप लिखना चाहें, जब 8th अमेंडमेंट आई थी ना, आठवीं तरमीम जिसमें जावलक ने 58(2)(b) लेके आया था, तो उस तरमीम के ऊपर असेंबली के अंदर सर्वस डिबेट जो हमारी चली थी वो 41 डेज चली थी, कितने दिन चली थी? 41 डेज 18th असेंबली में जो डिबेट थी हमारी वो चली सिर्फ 2 दिन, कितने 8th अमेंडमेंट
सिर्फ 58 टू बी, यहाँ पे आपने 1/3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के रख दिया। डिबेट कितने दिन हुई 18 अमेंडमेंट पे, और सेनेट के अंदर भी डिबेट हुई और वो भी 4 दिन। सर ये 2 दिन में चेंज होगा, उन्होंने एक्सपीरियंस भी तो देखा ना सर पीछे। हाँ, लेकिन इससे पीछे आपने एक कमेटी बनाई थी 18 अमेंडमेंट के लिए, और उस कमेटी ने 77 मीटिंग्स की थी, 77 मीटिंग्स 10 महीनों में, 77 मीटिंग्स इन 10 मंथ्स। जो 18 अमेंडमेंट आई गो के असेंबली में 2 दिन डिबेट हुआ, सेनेट में 4 दिन हुआ, जबकि 8 अमेंडमेंट का मोर देन 40 डेज डिबेट होता रहा। आप ये जो 18 अमेंडमेंट लेके आए थे 1/3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, तो उससे पहले एक कमेटी बनाई गई, वो कमेटी काम कर रही थी ना, उन्होंने 18 अमेंडमेंट बना के ला के असेंबली में पेश की ना, तो वो जो कमेटी थी, तो उन उस कमेटी की बात हम कर रहे हैं कि उसने 77 मीटिंग्स की इस 18th अमेंडमेंट के लिए और 10 महीने काम किया था। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आपका फोरम नेशनल असेंबली और सेनेट था तो उसके अंदर इतनी ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर डिबेट नहीं हुई, शायद कम डिबेट हुई है, जिस वजह से आज आपको कुछ डेफिशिएंसीज नजर आ रही है कि एनएससी वाला मामला ठीक है जी और कुछ और इश्यूज के ऊपर, तो शायद अगर ज्यादा डिबेट होती तो शायद इसमें से कुछ चीजें प्लस माइनस और हो सकती, मतलब एज एन क्रिटिसिज्म आप इसको मेंशन कर सकते हैं। डिबेट डेज आर कम हुए हैं इन योर पॉल। क्वेश्चन बेटा 2020 में आया, क्वेश्चन नंबर 7 था, जल्दी से लिखें, वी हैव फिनिश्ड आवर टाइम। 2020 में क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिंग आउट क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जल्दी से लिखें। 2020 में क्वेश्चन नंबर 7 आया सीएसएस में, ब्रिंग आउट क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यू कैन एक्सप्लेन इट नाउ। वो कहते हैं कि यूनिटरी और फेडरल में क्या फर्क है, 2020 में ये सवाल आया, क्या फर्क है, तो आप मेरे का तो कर सकते हैं ना पर। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा 2019 में आया, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 था हाउ फार 18th अमेंडमेंट विल ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग फेडरल सिस्टम इन पाकिस्तान, हाउ फार 18th अमेंडमेंट विल ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग फेडरल सिस्टम इन पाकिस्तान, के अंदर जो फेडरल सिस्टम है उसको किस तरह से 18th अमेंडमेंट ने आके मजीद ट्रांसफॉर्म किया है या स्ट्रेंथन किया है कि उसकी बेहतरी के लिए या स्ट्रक्चर्स की चेंजिंग्स के लिए उसने काम किया। तो आपने 18th अमेंडमेंट को बड़ी डिटेल में पढ़ा। 18th अमेंडमेंट ने 8वीं अमेंडमेंट और 13वीं अमेंडमेंट की तरह 58 को भी नहीं खत्म किया, ठीक है ना, 1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, एनएससी वार्ड ओ सीसीआर कितनी बातें वहां पे ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं और 18th अमेंडमेंट को हिस्टोरिकली आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, जिस वजह से हमने इतनी डिटेल इसकी हिस्ट्री पढ़ी। 20 नंबर का क्वेश्चन, 2017 में बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आया था, what characteristics of society lead to adoption of federal form of government, federal form of government, ये आपको society pull कर रही होती है, society pull कब कर रही होती है, ठीक है जी, federal form of government के federal federation में जाएंगे ना, provincial autonomy की बात होगी, सुबह अपना हाथ मांग रहे होंगे, हम सुबह को कहा कि आप local governments बनाएं, तो ये demand of people, demand of society, और उसके बाद how can, how it can function successfully, तो इसमें आप mention कर सकते हैं 18th amendment को, local government को, ठीक है जी, और जब आप सुबह को autonomy देते हैं तो किसी provincial level के ऊपर हो। बेटा सब 2016 में question number 7 है, 2016 में question number 7 है, explain confederation, आपने confederation को बहुत detail में पढ़ लिया how it is different from federation, 20 नंबर का सवाल है, तो confederation और federation में फर्क आप कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, so okay, any question?